इस इमेज को देखे, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब हिटलर के होलोकॉस्ट से आजाद हुए ऑस्ट्रिया के लोग है ये। अब इस इमेज को देखे, जब नाजी सेना यहूदी यानी ज्यूइश लोगों को गैस चैम्बर में मारने के लिए ले जाती थी, तब उन यहूदी लोगों को चैम्बर के बाहर अपने जूते चप्पल निकाल कर जाना होता था। ये सिर्फ एक दिन के जूते की इमेज है, वो भी एक ही चैम्बर के, जिसे बाद में कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहा गया। अब इस इमेज को देखने के बाद आपको लगेगा कि यह तो कोई मूवी का सीन है, लेकिन यह एक ओरिजिनल ऐतिहासिक तस्वीर है और इसी जगह से दूसरे विश्व युद्ध की पूरी बाजी पलट गई थी। इस इमेज के बारे में मैं आपको विस्तार से आगे वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे ही उस समय की ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको पूरा दूसरा विश्व युद्ध समझाने की कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, किसने शुरुआत की थी, फिर किन किन देशों में यह कब कब फैलता गया, कितने देश इसमें शामिल हुए और किस ग्रुप में शामिल हुए, क्या कारण थे कि इतना बड़ा भयानक युद्ध हुआ, इस युद्ध का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, नाजी सैनिकों द्वारा ज्यूस यानी यहूदी लोगों पर कैसे अत्याचार हुए थे, इसमें कितने लोग मारे गए थे, हमारे भारत का इसमें क्या योगदान था, और इतिहास की कुछ बड़ी घटनाएं जो इस युद्ध में हुई थी, जैसे डी डे लैंडिंग, ऑपरेशन बारबरोसा, पल हार्बर पर हमला, इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इतिहास के बारे में। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। जहां तक ज्ञात इतिहास है हमारा, उसमें दूसरा विश्व युद्ध सबसे बड़े इवेंट थे। इससे बड़ा युद्ध ना कभी पहले हुआ था और ना ही इसके बाद कभी हुआ, क्योंकि इसमें करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग घायल हुए थे, कई देश बर्बाद हो गए, जिसमें उस समय दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी वो सब इसमें शामिल हुई थी, लेकिन दो अलग अलग ग्रुपों में। और दुनिया के टोटल 70 देश किसी ना किसी रूप से इस युद्ध के साथ जुड़े हुए थे। इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर टू या द्वितीय या दूसरा विश्व युद्ध हम कहते हैं, लेकिन इसके अलावा इस युद्ध को ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू दुनिया के बड़े हिस्से में लड़ा गया था, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लगभग पूरे पैसिफिक समुद्र में, यानी करीब करीब आधी दुनिया या इससे भी ज्यादा में लड़ा गया था। इस कारण इसे ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध को टोटल वॉर नाम से भी जाना जाता है। टोटल मतलब सब कुछ। इससे पहले इतिहास में जितने भी युद्ध हुए थे उसमें दोनों देशों की सिर्फ आर्मी ही लड़ती थी। इसी से तय होता था कि कौन जीता और कौन हारा। आम जनता को इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता था, जो युद्ध का एक नियम भी था पहले, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू ने सभी नियम तोड़ दिए थे। इसमें आर्मी, देश की जनता, देश के वैज्ञानिक, देश के अरबपति, सभी लोग अपने देश को सपोर्ट करने में लगे थे, यानी सभी देश अपने आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध में कूद पड़े थे। तभी तो दुनिया का पहला परमाणु बम बना था इस दौरान। इस युद्ध में फैक्ट्री में काम करने वाले लोग अगर हथियार बना रहे हैं या अपने सैनिकों के लिए खाना बना रहे हैं या किसी भी तरह की मदद कर रहे हैं, तो वे लोग भी इस युद्ध का हिस्सा थे। और दुश्मन देश ऐसे लोगों को भी मार देते थे। ऐसी फैक्ट्रियों और कारखानों में ऊपर से बम गिराकर उसे तबाह कर दिया जाता था। इसी कारण तो इस युद्ध में जितने सैनिक मारे गए उससे कहीं ज्यादा तो आम लोग मारे गए थे, इसलिए इसे टोटल वॉर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कारण थे, रीजन क्या थे वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने के, यूरोप और एशिया में क्या वातावरण था उन दिनों जिस कारण वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई थी। तो पहले तो हम एक एक करके इसके कारण जानते हैं ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला कारण था साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म। इस इमेज को देखें, अंग्रेज यानी ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनियां बना रखी थी। इसमें जो रेड कलर है उन सभी देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था और जो ब्लू कलर में है उन सभी देशों पर फ्रांस का कब्जा था। तो ब्रिटेन और फ्रांस इन कब्जे वाले देशों को लूटकर इतना पैसा बना रहे थे कि जिसे देखकर यूरोप और एशिया के बाकी देशों में भी ऐसा लालच जागा कि हम भी ब्रिटेन और फ्रांस की तरह दूसरे देशों पर कब्जा करके उन्हें लूटे और पैसा कमाए। इस होड़ में दो नए देश शामिल हुए, जापान और जर्मनी। इस कारण जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस इन सब के बीच कंपटीशन शुरू हुआ कि कौन ज्यादा देशों पर कब्जा कर लेता है, कौन ज्यादा पैसे कमाता है, कौन ज्यादा ताकतवर है।
किसके पास ज्यादा कॉलोनीज है। इस तरह से साम्राज्यवाद की होड़ शुरू हो गई थी 1939 से पहले। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, ट्रीटी ऑफ वर्सायल यानी वर्साय की अपमानजनक संधि। वर्ल्ड वॉर टू के बीच वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों ने यानी फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया था, उसे जर्मन लोग कभी भी भूल नहीं पाए। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया गया और प्रथम विश्व युद्ध का सारा बोझ अकेले जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया कि जर्मनी ही प्रथम विश्व युद्ध का गुनहगार है। प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया को जो आर्थिक नुकसान हुआ था, वो भी जर्मनी से वसूला गया, जिसे जर्मनी अगले 90 साल तक यानी 1920 से लेकर 2010 तक भर रहा था, यानी 2010 में वो चुका पाया। अगर आज के समय में उस रकम की बात करें तो करीब 269 बिलियन डॉलर का नुकसान प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था, जो जर्मनी धीरे धीरे भर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में हुई वर्साय की संधि की कुछ शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मनी से छीन कर दूसरे देशों में बांट लिया था। इस इमेज में आप देख सकते हैं, पूरा पिंक कलर का एरिया प्रथम विश्व युद्ध के पहले का जर्मनी था और वर्साय की संधि के बाद जर्मनी के इस भाग को पोलैंड को दे दिया गया और यहाँ पर कुछ भाग फ्रांस ने ले लिया, कुछ डेनमार्क को दिया गया तो कुछ लिथुआनिया को दिया गया और बीच में जो बचा रह गया वो जर्मनी के पास रहने दिया। यानी इस वर्साय की संधि में जर्मनी को इस तरह से तोड़ा गया था और जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसे जर्मनी अब अपनी आर्मी में 1,00,000 से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता, उसे सैनिक और आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरा जो प्रथम विश्व युद्ध का वीडियो है उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास विस्तार से समझाया है। तो इतने सारे अपमान के कारण जर्मन लोग वर्साय की संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे और ऊपर से फ्रांस इस ट्रीटी के बाद जर्मनी को दुनिया भर में बदनाम कर रहा था, जर्मनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था फ्रांस। इस कारण जर्मन लोग फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रति बहुत गुस्सा हो गए थे, जिसका फायदा हिटलर ने उठाया और सत्ता में आते ही हिटलर ने इस वर्साय की संधि की धज्जियां उड़ा दी थी और इस वर्साय की ट्रीटी को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। अगला कारण था इरेशनल बाउंड्री यानी बिना कुछ देखे नए देश बना दिए। जैसे कि आपने प्रथम विश्व युद्ध का वीडियो देखा है मेरा, तो आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बहुत सारे नए देश बनाए गए थे, लेकिन कैसे? बिना कुछ विचार किए नए देशों के बीच बाउंड्री बना दी गई। जैसे यह ध्यान नहीं रखा गया कि एक ही संप्रदाय के लोग जो एक ही भाषा बोलते हैं उन्हें आधे आधे में बांट दिया गया, जैसा जर्मनी के साथ भी हुआ था। कुछ जर्मन लोगों को पोलैंड का हिस्सा बना दिया गया तो कुछ जर्मन लोगों को चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन ये लोग अपने आप को जर्मन लोग ही मानते थे, इसलिए ये लोग भी गुस्से में थे कि हमें जर्मनी से मजबूरन निकाला गया है। और जर्मनी देश के लोग भी गुस्से में थे कि हमारे अपने लोगों को हमसे जुदा कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा नाइंसाफी जर्मनी के साथ की गई थी, जो आगे जाकर वर्ल्ड वॉर टू का सबसे बड़ा कारण बना था। अगला कारण था तानाशाही शक्तियों का उदय यानी डिक्टेटरशिप। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय और विकास हुआ था। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बने। अब प्रथम विश्व युद्ध में जो जीतने वाले देश थे उसमें इटली भी शामिल था, लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में जो संधियां हुई थी, जहां पर वर्साय की संधि भी हुई थी, तो उस संधियों में प्रथम विश्व युद्ध जीतने वाले बाकी देशों को बहुत कुछ मिला था। जैसे फ्रांस और ब्रिटेन ने कई हारे हुए देशों पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन इटली को कोई खास लाभ नहीं हुआ। इस कारण इटली के लोगों में असंतोष की भावना थी कि इटली को जो मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, और इस बात का लाभ उठाकर मुसोलिनी इटली की सत्ता में आ गया, जैसे हिटलर जर्मनी में आया था वैसे ही। मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने आक्रामक नीतियां अपनाई और दोनों ने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। अब लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी ताकि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो, लेकिन जब इटली और जर्मनी दोनों ने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया,
तभी से वर्ल्ड वॉर टू की संभावना बढ़ने लगी थी। इसके अलावा जापान में तानाशाही नहीं थी, लेकिन जापान में जो आर्मी का सेनापति था वो तानाशाह जैसा ही था। जापान भी कई देशों पर हमला करने लगा था और अपना साम्राज्य फैला रहा था, वो भी दूसरे विश्व युद्ध से पहले से ही। फिर आपको याद हो तो साल 1936 में स्पेन में भी सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें हिटलर और मुसोलिनी ने स्पेन के फ्रांको की मदद की, जिस कारण फ्रांको ने स्पेन की सत्ता हथिया ली और फ्रांको भी स्पेन का तानाशाह बन गया। अगला कारण लीग ऑफ नेशन की असफलता। जैसा कि मैंने बताया आगे, प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्ध ना हो और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था 1920 में, लेकिन लीग ऑफ नेशन असफल रहा क्योंकि साल 1931 में जापान ने चाइना के मंचूरिया पर हमला किया और जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसलिए लीग ऑफ नेशन ने जापान को ऐसा ना करने को कहा, तो जापान ने भी लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। फिर 1935 में इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया था। फिर वर्षा की संधि के तहत जर्मनी और फ्रांस के बीच एक राइनलैंड नाम का एरिया था। इस इमेज में ये जो लाइन वाला एरिया है वो है राइनलैंड एरिया। तो वर्षा की संधि के तहत जर्मनी इस एरिया में अपनी आर्मी नहीं रख सकता था, लेकिन हिटलर ने इस एरिया में अपनी आर्मी भेज दी। और जैसा मैंने पहले बताया कि जर्मनी और इटली ने भी लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं कर पाया। तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने में लीग ऑफ नेशन की असफलता भी बहुत बड़ा कारण थी। अगला कारण था यूरोप में गुटबंदी। हिटलर और मुसोलिनी की हरकतें देखकर फ्रांस खुद को बचाने के लिए कई ग्रुप बनाने लगा था। फ्रांस ने सबसे पहले जर्मनी के आसपास के जो देश थे उन सभी देशों को मिलाकर एक जर्मन विरोधी ग्रुप बनाया। ये सब मिलकर जर्मनी को डराना चाहते थे, लेकिन इसके जवाब में जर्मनी और इटली दोनों आपस में मिल गए और कुछ समय बाद जापान भी इसमें शामिल हो गया। यानी एक तरफ फ्रांस और जर्मन विरोधी देशों के साथ ब्रिटेन और यूएसएसआर का ग्रुप बना, तो दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान का ग्रुप बना। यानी प्रथम विश्व युद्ध की तरह इस बार भी यूरोप दो भागों में बट गया था, जिस कारण एक दूसरे देशों पर नफरत फैलने लगी थी। अगला कारण था मिलिट्रिज्म यानी सैन्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास किया गया, यानी हथियार और आर्मी को सीमित रखकर दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि एक तरफ जर्मनी को डर था कि अगर फ्रांस हम पर अचानक हमला कर दे तो हम हार जाएंगे, इसलिए जर्मनी अपनी आर्मी बढ़ाने लगा था, और वैसे ही फ्रांस भी डर के कारण अपनी आर्मी बढ़ा रहा था। और इस तरफ जापान भी बहुत पहले से ही अपनी आर्मी बढ़ा रहा था, करीब 19वीं सदी की शुरुआत से ही, क्योंकि जापान भी ब्रिटेन की तरह दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बनाना चाहता था। इसलिए जापान की आर्मी बहुत मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि जापान का सबसे पहला काम था अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का, ताकि दूसरे देशों पर कब्जा कर सके। और इटली में भी मुसोलिनी के आने के बाद आर्मी बढ़ने लगी थी, तो सैन्यवाद भी बड़ा कारण था दूसरे विश्व युद्ध के लिए। अगला और आखिरी कारण था द ग्रेट डिप्रेशन यानी विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव। साल 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने भी वर्ल्ड वॉर टू में योगदान किया। इस मंदी के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में उत्पादन घट गया था, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई थी, उद्योग, कृषि, व्यापार सब पर आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा, जिसमें जर्मनी की स्थिति सबसे बुरी थी। तो हिटलर ने इस स्थिति के लिए वर्सायलेस की संधि को जिम्मेदार ठहराया और इससे जर्मनी में हिटलर की शक्ति और बढ़ने लगी, और दुनिया के ज्यादातर देश अपने अपने आर्थिक स्थिति सुधारने और बेरोजगारों को सेना में नौकरी देने लगे थे। तो वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने से पहले यूरोप और एशिया में कुछ इस तरह का माहौल था। अब बात करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध को शुरू किसने किया था, कौन जिम्मेदार था दूसरे विश्व युद्ध का। तो यह विवादास्पद है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन था। मुख्यत्वे वर्षा की अपमानजनक संधि, लीग ऑफ नेशन की विफलता, विश्व आर्थिक मंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन जैसे कारणों को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और आपको क्या लगता है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन वास्तविकता यह है कि साल 1938 तक वर्षा की संधि के अनेक आपत्तिजनक प्रावधानों को समाप्त किया जा चुका था,
और जर्मनी पर अब वर्सायी की संधि का कुछ ज्यादा बोझ नहीं था और 1938 में जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भी उभर चुका था। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार हिटलर को दूसरे विश्वयुद्ध का जनक या पिता या जिम्मेदार मानते हैं। साल 1889 में हिटलर का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। रोजी रोटी के लिए हिटलर प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की फौज में शामिल हुआ था। इस इमेज को देखें, यह प्रथम विश्वयुद्ध में हिटलर की फोटो है। इस दौरान हिटलर की बहादुरी को देखकर उसे कई सारे मेडल भी मिले थे, लेकिन जर्मनी प्रथम विश्वयुद्ध में हार गया, जिस बात का हिटलर को बहुत दुख हुआ था। फिर जर्मनी को वर्सायी की अपमानजनक संधि साइन करनी पड़ी, जिस कारण हिटलर और दुखी हो गया। और इसका बदला लेने के लिए साल 1919 में ही हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का एक सदस्य बन गया और धीरे धीरे हिटलर इस पार्टी का मुखिया यानी लीडर बन गया। फिर इस पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया, लेकिन साल 1930 तक हिटलर की यह पार्टी जर्मन लोगों को ज्यादा कुछ आकर्षित नहीं कर पाई थी। पर आखिर में द ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी के दौर में जर्मनी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। जर्मन बैंक दिवालिया होने लगे थे, काम धंधे बंद हो रहे थे, जर्मन लोग बेरोजगार होते जा रहे थे, लोगों को भूखमरी का डर सता रहा था। और इस हालात का सबसे ज्यादा फायदा हिटलर ने उठाया, क्योंकि हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था और हिटलर के शब्द और भाषण लोगों को हिलाकर रख देते थे। यह उस समय की इमेज है। हिटलर जर्मन लोगों को कहता था कि हम अपने जर्मनी को एक शक्तिशाली देश बनाएंगे, वर्सायी की संधि में हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसका बदला लेंगे, जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा मैं वापस दिलाऊंगा। हिटलर ने कई सारे वादे किए थे कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दिलाऊंगा, नौजवानों को एक बेहतर भविष्य दूंगा। ऐसे भाषणों से जर्मन लोगों को हिटलर की पार्टी पर भरोसा होने लगा। फिर हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी के लोग लाल झंडे में, जिसमें स्वस्तिक का निशान बनाया गया था, उस झंडे के साथ पूरे जर्मनी में आंदोलन और रैलियां निकालने लगे। और इन नाजी पार्टी के मेंबर्स ने हिटलर को एक महान रक्षक, एक मसीहा के रूप में पेश किया, जैसे हिटलर ने जर्मनी को उभारने के लिए अवतार लिया हो। क्योंकि जब कोई भी देश इतनी सारी मुसीबतों को झेल रहा हो, तब ऐसे भाषण से देश के लोगों को उम्मीद दिखाई देने लगती है। ऐसे ही जर्मनी के लोगों को भी हिटलर में उम्मीद नजर आने लगी कि यह हिटलर हमें दुख और मुसीबत से उभार सकता है। इसलिए साल 1933 के जर्मन इलेक्शन में हिटलर की नाजी पार्टी को 37% वोट मिले, जिस कारण जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी के चांसलर का पद दे दिया। इस इमेज को देखिए, ये हिंडनबर्ग है जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, और ये हिटलर है जब उसे चांसलर का पद मिला तब की तस्वीर है ये। तो चांसलर का पद मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा पद था, लेकिन हिटलर इतने से खुश नहीं था। उसने सत्ता में आते ही जर्मनी के सभी कम्युनिस्ट लोगों को जेल में बंद करवा दिया और कईयों को मरवा दिया, यानी जो भी हिटलर की नाजी पार्टी के खिलाफ थे उन सबको चुप करा दिया। और 3 मार्च 1933 के दिन जर्मनी में एनाब्लिंग एक्ट पास हुआ, और इस कानून के जरिए अब जर्मनी में बकायदा तानाशाही स्थापित हो गई। नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों पर पाबंदियां लगा दी गई। जर्मनी की इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, न्यायपालिका, सभी पर जर्मन नाजी पार्टी का नियंत्रण हो गया। हिटलर की नाजी पार्टी के शासन में जर्मनी के सभी समाजों को बराबर का हक नहीं था। नस्लीय आधार पर कुछ समाजों को ऊपर रखा गया तो कुछ समाजों को नीचे रखा गया। जैसे ब्लोंडे यानी नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य लोग जो थे, वही ओरिजिनल लोग थे, यानी ये सबसे ऊपर थे, और सबसे नीचे ज्यूस यानी यहूदी लोगों को रखा गया। और जर्मन आर्य लोगों का सबसे बड़ा शत्रु ये यहूदी लोगों को माना गया। और ऐसे टोटल 52 अलग अलग समाज थे यूरोप में उस समय, जिनको रंग और रूप के आधार पर जर्मन आर्य और यहूदी लोगों के बीच में रखा गया था। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि हिटलर की यह नस्लीय विचारधारा डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित थी। वैसे हिटलर की विचारधारा और भी गहरी थी, जो मैं हिटलर का उदय कैसे हुआ था उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें डिटेल्स में समझाऊंगा। और हिटलर ने सिर्फ यहूदी लोगों को ही निशाना बनाया ऐसा नहीं है, इसके अलावा कई ऐसे समाज थे जर्मनी में, जैसे जिप्सियों और अश्वेत लोगों की पहले जर्मन नागरिकता छीन ली गई, फिर इन लोगों को मार दिया गया,
यानी जो ओरिजिनल थे, नॉर्डिक जर्मन आर्य लोगों के सिवा किसी को भी इंसान नहीं माना गया, जिसमें सबसे बुरा हाल यहूदी लोगों का हुआ था। और क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हिटलर यहूदी लोगों को इतनी नफरत क्यों करता था? अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। इसका जवाब आपको मैं हिटलर का उदय कैसे हुआ था उस वाले वीडियो में बताऊंगा। तो हिटलर ने यहूदी लोगों पर पाबंदियां लगा दी कि यहूदी लोग जर्मन लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते। उन पर जर्मनी के राष्ट्र ध्वज को पहनाने पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी लोगों के व्यवसाय का बहिष्कार करना, सरकारी पदों से यहूदी लोगों को निकाल देना, उनकी संपत्ति जब्त कर लेना और यहूदी लोगों को अपने हाथ में एक सिंबल बांधना होगा जिसे हम स्वस्तिक कहते हैं, लेकिन वो स्टार ऑफ डेविड का सिंबल है, ताकि हाथ में बांधे उस मार्क से पता चले कि यह तो यहूदी है। या फिर उन्हें अपने कपड़ों पर स्टार ऑफ डेविड का निशान लगाना पड़ता था। इस इमेज में आप देख सकते हैं यहूदी लोगों को हमेशा इस निशान को अपने साथ रखना पड़ता था। अगर वो ऐसा ना करे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। इसके अलावा वर्षा की संधि के तहत जर्मनी अपनी आर्मी और एयरफोर्स नहीं बना सकता था, लेकिन हिटलर ने सत्ता में आते ही आर्मी और एयरफोर्स बनाना शुरू कर दिया। हिटलर ने जर्मनी के उन समाजों को जो नॉर्डिक जर्मन आर्य नहीं थे, उन पर अलग अलग तरह के बहुत से प्रतिबंध लगा दिए, यानी मानव अधिकारों को खत्म कर दिया जर्मनी में। इसके बाद जर्मनी में इलेक्शन भी खत्म करवा दिए। मतलब हिटलर अब पूरी तरह से जर्मनी का तानाशाह बन चुका था। तो जर्मनी और हिटलर की विचारधारा उन पर जो बीती थी उसका बदला लेने की तैयारी करने लगे थे। हिटलर का मानना था कि ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कब्जा करके हमारे जर्मन लोगों को वहां बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जर्मन लोगों को रहने की ज्यादा जगह मिले, जिससे हमारे जर्मनी का एरिया भी बड़ा होगा, हमारे पास भरपूर संसाधन हो, फलद्रुप जमीन हो और एक शक्तिशाली देश बनाया जाए। और हिटलर और जर्मनी के इस उद्देश्य को रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ फादरलैंड कहा जाता है। और इसी उद्देश्य के साथ जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू का दरवाजा खोलता है, यानी वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत करता है। अब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत को लेकर भी विवाद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत 1934 में चीनो जापानीज वॉर से हुई थी, चाइना और जापान के युद्ध के साथ। तो ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई थी। तो हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत यूरोप में की, उससे पहले ही जापान ने एशिया में वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत कर दी थी। कैसे? इस इमेज को देखें। एशिया वर्ल्ड वॉर टू में कूदा उसका एक ही कारण था, चीनो जापानीज वॉर। शुरू में आपको मैंने बताया था कि जापान भी फ्रांस और ब्रिटेन की तरह दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बनाना चाहता था, यानी साम्राज्यवाद का विस्तार। इसलिए जापान भी 19वीं सदी की शुरुआत से ही अपनी कॉलोनीज बढ़ाने लगा था। जैसे ये मुख्य जापान था जिसने साल 1905 में यहां पर कब्जा कर लिया, फिर इन छोटे छोटे टापुओं पर, नीचे इन सभी टापुओं पर, आज का जो ताइवान है वो भी जापान के अंडर था। फिर 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था, और उस समय नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग नहीं थे, एक ही देश थे। फिर 1931 में फलद्रुप जमीन के लालच में जापान ने चाइना के मंचूरिया पर हमला किया और उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर इस मंचूरिया में जापान ने अपनी कठपुतली सरकार बिठा दी जिसका नाम मंचुकाओ था। फिर साल 1936 में चाइना में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हो गया। चाइना की दो पार्टी, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टी, आपस में लड़ रही थी, क्योंकि दोनों पार्टी को चाइना पर शासन करना था, इसलिए इन दोनों पार्टियों के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसका फायदा जापान ने उठाया। जापान ने चाइना के इस भाग पर हमला कर दिया और चाइना की ये दोनों पार्टी भी यहीं पर लड़ रही थी। ये उनका पेकिंग शहर है, जो आज चाइना की राजधानी है बेजिंग। बेजिंग का पुराना नाम पेकिंग था। उस समय चाइना इतना पावरफुल नहीं था, इसलिए जापान ने चाइना के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया, जिसमें चाइना के बड़े बड़े शहर भी शामिल थे, जैसे हांगकांग, बेजिंग और शंघाई। जैसे इन सभी एरिया पर जापान कब्जा करता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था 1936 में, क्योंकि जापान चाहता था कि पूरे एशिया खंड में जापान का साम्राज्य फैले, जैसे दुनिया भर में ब्रिटेन का फैला था वैसे ही। इसलिए जापान
एक के बाद एक सब कुछ जीतता चला जा रहा था और एशिया पर अपना कब्जा करता हुए एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर रहा था। इस तरह से एशिया में लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन इससे भी बड़ी लड़ाई यूरोप में शुरू हो रही थी। इस इमेज को देखें तो उस समय यूरोप का मैप कुछ ऐसा था। यह है हिटलर की नाजी पार्टी वाला जर्मनी, यह है बेनिटो मुसोलिनी वाला इटली, यह है स्पेन जिनका तानाशाह फ्रांको कैसे बना उस बारे में मैंने आपको बता दिया, ये पोलैंड, ये चेकोस्लोवाकिया, ये ऑस्ट्रिया, ये था दुनिया का सबसे बड़ा देश यूएसएसआर, ये फ्रांस, ब्रिटेन, हंगरी, यूगोस्लाविया और बेल्जियम जैसे और भी कई देश आप इस मैप में देख सकते हैं। तो हिटलर का उदय कैसे हुआ ये तो हमने जाना। अब जब यहूदी और उनके जैसे समाजों के साथ नाजी पार्टी जो अपमानजनक व्यवहार कर रही थी, उसी बीच हिटलर ने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। इस मैप को देखें, वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को इस एरिया में अपनी आर्मी और एयरफोर्स रखने की मनाही थी, लेकिन हिटलर ने यहां आर्मी और एयरफोर्स दोनों को तैनात कर दिया 1936 में। और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों चुपचाप देखते रहे, उन्होंने हिटलर को कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद जर्मनी और इटली के बीच संधि हुई कि युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली एक दूसरे की मदद करेंगे। इस समझौते को रोम बर्लिन एक्सिस नाम से जाना जाता है। इसमें रोम इटली की राजधानी और बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, और इस एक्सिस नाम के कारण ही इस ग्रुप को वर्ल्ड वॉर टू का एक्सिस पावर कहा गया। फिर जर्मनी ने जापान के साथ भी एक दूसरे को मदद करने का समझौता किया, जिसका नाम जर्मनी जापान पैक्ट था। फिर 1938 तक जर्मनी शांत रहा, लेकिन 11 मार्च 1938 के दिन जर्मनी ने सबसे पहले इस येलो कलर का एरिया ऑस्ट्रिया पर हमला किया, और दो दिन में यानी 13 मार्च के दिन ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। क्यों? क्योंकि हिटलर का मानना था कि ऑस्ट्रिया कभी कोई अलग देश था ही नहीं, वो जर्मनी का ही भाग था, लेकिन वर्साय की संधि ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी से अलग कर दिया था। इस कारण ऑस्ट्रिया को हम फिर से जर्मनी में मिला रहे हैं। अब इस मैप को देखें, इसमें जो येलो कलर का एरिया है वो है सुडेटन लैंड, जो पहले जर्मनी का एरिया था, लेकिन वर्साय की संधि में इस एरिया को चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। अब यहां पर 1938 में भी जर्मन लोग ही रहते थे और जर्मन भाषा ही बोलते थे, जो नॉर्डिक जर्मन आर्य थे वे ही लोग, लेकिन चेकोस्लोवाकिया के नागरिक बनकर। तो हिटलर ने ऑस्ट्रिया के बाद मार्च महीने में ही यहां पर हमला किया और इस भाग को भी जर्मनी में मिला दिया, लेकिन ऑफिशियली नहीं। 1 अक्टूबर 1938 में एक बैठक हुई फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के बीच, जिसे म्यूनिक पैक्ट कहते हैं। तो म्यूनिक समझौते से चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड एरिया को जर्मनी को हमेशा के लिए दे दिया गया, और इसके बाद सभी को लगा कि हिटलर अब शांत हो जाएगा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर साल 1939 शुरू हुआ। इस साल मार्च महीने में जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया और चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी में मिला दिया। इस मैप में यह ऑस्ट्रिया है और यह है चेकोस्लोवाकिया, इन दोनों पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। अब बारी थी इस पोलैंड की। हिटलर पोलैंड पर हमला करे इससे पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के साथ समझौता किया कि अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो फ्रांस और ब्रिटेन आपकी मदद के लिए आएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। ऐसा आश्वासन पोलैंड और इस रोमानिया दोनों को दिया गया फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से। और इस तरफ हिटलर ने यूएसएसआर के साथ मिलकर एक समझौता किया, जिसे मोलोतोव रिबेंट्रोप पैक्ट कहते हैं। इस इमेज को देखें, इसमें यह है यूएसएसआर के फॉरेन मिनिस्टर मोलोटोव, और यह है जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर रिबेंट्रोप, और यह है यूएसएसआर के लीडर जोसेफ स्टालिन। तो इन दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर के नाम पर यह समझौता हुआ था 23 अगस्त 1939 के दिन, और इसमें यह तय हुआ कि जर्मनी और यूएसएसआर एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, और दुनिया को भी यह बताया गया कि इस समझौते में ऐसा तय हुआ है। लेकिन इसके अलावा इस समझौते में एक षड्यंत्र रचा गया था जो सीक्रेट था। इस षड्यंत्र के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया था कि जर्मनी और यूएसएसआर दोनों पोलैंड पर हमला करेंगे, और बाद में आधा पोलैंड जर्मनी का और आधा पोलैंड यूएसएसआर का। इस मैप में देखें, जर्मनी इस तरफ से पोलैंड पर हमला करेगा और ये यूएसएसआर है जो इस तरफ से पोलैंड पर हमला करेगा। फिर पोलैंड का ये ऑरेंज कलर का एरिया
जर्मनी में मिलाया जाएगा और एक ग्रे कलर का एरिया यूएसएसआर में मिलाया जाएगा। इस बारे में किसी को नहीं बताया गया या उस समझौते की सीक्रेट बात थी। तो इस समझौते के 7 दिन बाद ही 1 सितंबर 1939 के दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया इस तरफ से, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई। और जैसा तय हुआ था कि अगर पोलैंड पर हमला होगा तो ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद के लिए आएंगे, इस कारण जर्मनी के हमले के 2 दिन बाद ही यानी 3 सितंबर 1939 के दिन फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और 17 सितंबर के दिन यूएसएसआर ने पोलैंड पर इस तरफ से हमला कर दिया और 20 दिन में ही यानी 6 अक्टूबर के दिन पोलैंड हार गया, जिसके बाद पोलैंड को आधा आधा बांट लिया जर्मनी और यूएसएसआर ने, जैसा उनके षड्यंत्र में तय हुआ था। पोलैंड का यह भाग जर्मनी में मिला दिया गया और यह भाग यूएसएसआर में मिला दिया गया। अब पोलैंड को जीतने के बाद यूएसएसआर ने 30 नवंबर 1939 के दिन फिनलैंड पर हमला किया। इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर फिनलैंड और यूएसएसआर के दोनों एरिया बर्फीले हैं। और 12 मार्च 1940 के दिन फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी यूएसएसआर ने इस येलो कलर के फिनलैंड देश पर कब्जा कर लिया। अब हिटलर ने यूरोप को जीतने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया था। उस प्लान का एक हिस्सा था ब्लिट्जक्रीग आर्मी, एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है मोबाइल आर्मी, जो बहुत ही तेज थे। यानी पहले की तरह नहीं, पहले क्या होता था कि आर्मी पैदल युद्ध में जाती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में होता था, जिसमें बहुत समय लगता था युद्ध के खत्म होने में, या फिर ट्रेंचेस यानी खाइयों में छुपकर युद्ध होता था। लेकिन हिटलर ने जर्मन आर्मी के लिए ब्लिट्जक्रीग की नई तकनीक अपनाई थी। इसमें पहले एरोप्लेन आगे जाते थे जो बमबारी करके आगे सब कुछ तबाह कर देते थे, और उनके पीछे ट्रक और आर्मी गाड़ियों में जाती थी। इस तकनीक से एक ही दिन में 200-300 किलोमीटर तक का एरिया जीत लिया जाता था। इसे कहते हैं जर्मनी की आर्मी की ब्लिट्जक्रीग तकनीक। और इस तकनीक का इस्तेमाल करके जर्मनी ने 9 मार्च 1940 के दिन इस छोटे से डेनमार्क पर चढ़ाई कर दी, और एक ही दिन में डेनमार्क ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर यहां से जर्मनी ने नॉर्वे पर हमला किया और 9 जून 1940 के दिन नॉर्वे भी हार गया, यानी डेनमार्क और नॉर्वे दोनों पर अब जर्मनी का कब्जा हो गया। और इस फिनलैंड पर यूएसएसआर का कब्जा हो चुका था इससे पहले, और यह स्वीडन है जो वर्ल्ड वॉर टू में न्यूट्रल रहा था, यानी स्वीडन इस युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ था। अब इस मैप को देखें, यहां पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। इस पर हिटलर ने यानी जर्मनी ने हमला किया और 10 मई के दिन लग्जमबर्ग ने भी हार मान ली। फिर जर्मनी ने इस येलो कलर वाले देश नेदरलैंड पर हमला किया और 14 मई के दिन नेदरलैंड भी हार गया। इसके बाद हिटलर ने इस लाल कलर वाले बेल्जियम पर हमला किया और 28 मई 1940 के दिन बेल्जियम भी हार गया। यानी एक ही महीने के अंदर जर्मनी ने इन तीनों देश लग्जमबर्ग, नेदरलैंड और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। और कैसे? तो उनकी ब्लिट्जक्रीग तकनीक से, यानी अपनी मोबाइल आर्मी से। अब यहां पर कौन बचा? ये फ्रांस। तो जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी दोनों के बीच रोम बर्लिन पैक्ट साइन हुआ था, लेकिन ये इटली अभी तक इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। पर अब फ्रांस पर हमला करना था और फ्रांस काफी ताकतवर देश था, इसलिए 10 जून 1940 के दिन इटली वर्ल्ड वॉर टू में कूद पड़ा और मुसोलिनी यानी इटली ने फ्रांस पर इस तरफ से हमला शुरू किया। और इसी दिन जर्मनी ने फ्रांस पर इस बेल्जियम की तरफ से हमला शुरू किया। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में भी पहले बेल्जियम पर कब्जा किया और फिर यहां से फ्रांस पर हमला किया था, और दूसरे विश्व युद्ध में भी जर्मनी ने ऐसा ही किया। तो जर्मनी और इटली ने फ्रांस पर हमले की शुरुआत की 10 जून 1940 के दिन। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस यहां पर है, आप देख सकते हैं। तो 14 जून यानी सिर्फ 4 दिन के अंदर जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा कर लिया और 21 जून के दिन फ्रांस हार गया। यानी फ्रांस जैसा ताकतवर देश सिर्फ 11 दिन में हार गया जर्मनी और इटली से, और ये बहुत बड़ी घटना थी। इस कारण पूरी दुनिया में हिटलर के नाम का डर फैलने लगा, क्योंकि एक साल के अंदर जर्मनी ने 9 देशों पर कब्जा कर लिया था। इस मैप में देखें, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से शुरुआत की थी, फिर चेकोस्लोवाकिया,
पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड और अब फ्रांस। इस कारण दुनिया हिटलर से डरने लगी थी। अब हिटलर का एक ही दुश्मन बचा था इस तरफ, यह ब्रिटेन। और फ्रांस को जीतने के बाद अब जर्मनी ब्रिटेन पर हमला करता है, जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। और यह लड़ाई दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई थी जो आकाश में लड़ी गई थी। यह उस समय की इमेज है। जर्मनी और ब्रिटेन दोनों के एरोप्लेन एक दूसरे पर बमबारी करते थे। जर्मन एरोप्लेन ब्रिटेन के लंदन शहर में कारखानों पर, फैक्ट्रियों पर या ऐसी कोई जगह जो आर्मी की मदद के लिए काम करती हो, ऐसी सभी जगहों पर जर्मनी ने बमबारी की। और जहां पर ब्रिटेन के आम लोग रहते थे, वहां पर भी जर्मन सेना द्वारा बम गिराए गए थे। ये भी उस समय की इमेज है। जर्मनी के एरोप्लेन पर नजर रखता हुआ ब्रिटेन का एक नागरिक है ये। तो ये बैटल ऑफ ब्रिटेन की लड़ाई सिर्फ आकाश में हुई, जमीन पर कुछ भी नहीं था। इस लड़ाई से हिटलर का एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटेन जर्मनी के साथ समझौता कर ले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और दोनों एक दूसरे पर बमबारी जारी रखते हैं। और कुछ समय बाद बैटल ऑफ ब्रिटेन की लड़ाई रोक दी गई। और इस तरफ यूएसएसआर भी छोटे छोटे देशों पर कब्जा करता चला जा रहा था। फिनलैंड के बाद यूएसएसआर ने 14 जून 1940 के दिन इन बाल्टिक देशों पर हमला किया, जिसमें तीन देश है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और 3 अगस्त के दिन यूएसएसआर ने इन तीनों बाल्टिक देशों पर कब्जा कर लिया। और इस तरह इटली भी कुछ देशों पर कब्जा करने लगा था। इस मैप को देखें, यह लीबिया है जो इटली की कॉलोनी था उस समय, जैसे हमारे भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था वैसे ही। और यह है इजिप्ट जो ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो इस लीबिया में जो इटली की आर्मी थी, इसने 13 सितंबर 1940 के दिन इजिप्त पर हमला किया, जहां पर ब्रिटेन की आर्मी थी। लेकिन इटली असफल हो गया, इसलिए हिटलर ने नाजी जर्मनी की आर्मी लीबिया में भेजी इटली की मदद के लिए। और इस बार इन दोनों ने मिलकर इजिप्त में ब्रिटेन की आर्मी को हरा दिया। और लीबिया के साथ अब इजिप्त पर भी इटली का कब्जा हो गया। इसके बाद ये जो देश है वो था अल्बानिया, जिस पर इटली ने अप्रैल 1939 में कब्जा कर लिया था, यानी वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने से पहले ही। तो इटली इस अल्बानिया से इस ग्रीस पर हमला करता है अक्टूबर 1940 में। और 28 अक्टूबर के दिन ग्रीस ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस पर भी इटली का कब्जा हो गया। इसके बाद एक्सिस पावर का जन्म होता है। 27 सितंबर 1940 के दिन जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता होता है, ट्राइपार्टाइट पैक्ट। इसके तहत ये तीनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन किसी और ने इन तीनों में से किसी एक पर भी हमला किया तो ये तीनों एक दूसरे की मदद करेंगे, इसलिए इन तीनों देशों को एक्सिस नाम दिया गया। फिर इसके 2 महीने बाद 20 नवंबर के दिन इस हंगरी ने एक्सिस पावर को ज्वाइन किया। 22 नवंबर के दिन इस रोमानिया ने एक्सिस पावर को ज्वाइन किया। और अगले साल 1 मार्च 1941 के दिन इस बल्गेरिया ने भी एक्सिस पावर को ज्वाइन कर लिया। फिर इस समझौते के बाद जर्मनी, इटली, हंगरी और बल्गेरिया ने मिलकर 6 अप्रैल 1941 के दिन इस युगोस्लाविया पर हमला किया। और 17 अप्रैल के दिन युगोस्लाविया ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ लगभग यूरोप के सभी देशों पर इन एक्सिस ग्रुप का कब्जा हो चुका था, यानी हिटलर का, सिर्फ इस ब्रिटेन को छोड़कर। अब इस मैप को देखें, ब्लू कलर का जो एरिया है, लगभग पूरा यूरोप हिटलर और मुसोलिनी के अंडर में आ चुका था। सिर्फ यही एक देश स्विट्जरलैंड जो इस युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ था, और ना ही प्रथम विश्व युद्ध में। तो हिटलर एक छोटे से जर्मनी को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल चुका था। अगर हिटलर यहां पर रुक गया होता तो आज यूरोप का मैप कुछ अलग ही होता। लेकिन हिटलर को जर्मनी का साम्राज्य और बड़ा करना था, क्योंकि वो चाहता था कि जर्मन लोगों को रहने की बहुत ज्यादा जगह मिले, खेतीबाड़ी करने के लिए अच्छी फलद्रुप जमीन मिले। और ऐसी खेती के लिए जमीन थी यूएसएसआर के पास, यानी आज का जो क्रीमिया और यूक्रेन देश है ये जमीन। तो इस जमीन पर हिटलर की नजर थी, ताकि जर्मन नाजी लोग यहां पर खेतीबाड़ी करें। लेकिन यह जमीन थी यूएसएसआर की, ये पूरा ग्रीन कलर का बड़ा एरिया था यूएसएसआर का। वैसे दूसरे विश्वयुद्ध की शुरुआत जर्मनी और यूएसएसआर ने मिलकर की थी। पोलैंड पर दोनों ने हमला किया और आधा आधा पोलैंड दोनों ने बांट लिया था। ये सब हमने शुरू में जाना था
कि इन दोनों के बीच मोलोतोव रिबेंट्रोप पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि जर्मनी और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन हिटलर को यूएसएसआर पर भरोसा नहीं था। हिटलर को लगता था कि यूएसएसआर कभी भी इस पैक्ट को तोड़कर हम पर हमला कर सकता है, और यूएसएसआर ऐसा करे इससे पहले ही हम यूएसएसआर पर हमला कर देते हैं, ताकि रहने के लिए बहुत बड़ी जगह और फलद्रुप जमीन भी जर्मनी को मिले। ये उस समय की एक ड्राइंग है। ये हिटलर और ये स्टालिन दोनों एक दूसरे का साथ देकर पूरे यूरोप को कब्जा लेते हैं, लेकिन ये दोनों पीछे बंदूक लिए है, यानी एक दूसरे पर किसी को भी भरोसा नहीं है। इसलिए इस इमेज को डाउटफुल फ्रेंड यानी शंकास्पद दोस्ती के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस इमेज में हिटलर स्टालिन पर वार करता हुआ नजर आता है, यानी जर्मनी का यूएसएसआर पर हमला। अब यूएसएसआर पर हमला करना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि इससे पहले फ्रांस के नेपोलियन ने 17वीं शताब्दी में पूरे यूरोप को जीतने के बाद यूएसएसआर पर हमला किया था। लेकिन क्या हुआ, नेपोलियन हार गया। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी जर्मनी ने यूएसएसआर पर हमला किया था, तब भी जर्मनी हार गया था, क्योंकि यूएसएसआर की बर्फीली जमीन और ऊपर से जब सर्दियों का मौसम आता है तब उस सर्दियों में यूएसएसआर की आर्मी ही लड़ सकती है, क्योंकि उन्हें ऐसे हालात में लड़ने की आदत है। पर दूसरे देश की आर्मी, चाहे नेपोलियन की हो या जर्मनी की हो, वो आर्मी यूएसएसआर की सर्दियों को झेल नहीं पाती, क्योंकि इन्हें आदत नहीं है ठंड और बर्फ में लड़ने की। अब हिटलर भी ये जानता था, इस कारण हिटलर ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया यूएसएसआर पर हमला करने का। अब इस इमेज को देखो, इन सभी देशों पर हिटलर का कब्जा था, तो इन सभी देशों की आर्मी को जर्मन नाजी आर्मी के साथ मिला दिया। इसमें सिर्फ बल्गेरिया की आर्मी नहीं आई थी, क्योंकि बल्गेरिया के लोगों ने मना कर दिया था यूएसएसआर पर हमला करने से। बाकी ये सभी देश की आर्मी एक साथ आ गई, और इस घटना को इतिहास में ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से जाना जाता है, और ये इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी आर्मी युद्ध के मैदान में एक साथ कभी नहीं उतारी गई थी। इस मैप को देखें तो इस ऑपरेशन बारबरोसा के लिए हिटलर ने टोटल 38 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया था। कितने? 38 लाख सैनिकों को। इस ऑपरेशन के लिए 3500 टैंक थे, 3000 हवाई जहाज थे, 6 लाख गाड़ियां थी जो सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, और 7 लाख घोड़े थे इस ऑपरेशन बारबरोसा के लिए, ताकि यूएसएसआर को हरा सके। इस मैप में ये जो येलो कलर की बॉर्डर है, इसके इस तरफ का एरिया एक्सिस पावर का यानी हिटलर का, और इस तरफ का एरिया यूएसएसआर का था। तो ऑपरेशन बारबरोसा यहाँ येलो कलर की बॉर्डर से यहाँ रेड कलर की बॉर्डर के बीच में हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में 22 जून के दिन, और एक महीने बाद यानी 22 जुलाई तक में हिटलर ने यूएसएसआर का ये पूरा ब्लैक कलर का जो एरिया है वो कब्जा लिया था। फिर 22 अगस्त तक ये जो लाइट ब्लैक कलर का एरिया है वो भी हिटलर ने कब्जा लिया। फिर 22 सितंबर तक ये जो ग्रे कलर का एरिया है यूएसएसआर का, वो भी हिटलर ने कब्जा लिया था। इसके बाद 5 दिसंबर 1941 तक इस लाइट ग्रे कलर का एरिया भी हिटलर के कब्जे में आ गया था। अब इस मैप को देखें। वैसे ये मैप किसी अलग भाषा का है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पर 3 बाल्टिक देश थे पहले, लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया। इन तीनों देशों पर पहले यूएसएसआर ने कब्जा कर लिया था, लेकिन ऑपरेशन बारबरोसा के तहत हिटलर ने इन तीनों देशों पर कब्जा कर लिया। यहां से फिर हिटलर ने इस लेनिनग्राड शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसे आज रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग शहर कहते हैं। पहले इसका नाम लेनिन के नाम पर लेनिनग्राड रखा गया था। फिर मॉस्को पर भी हिटलर ने कब्जा कर लिया। यह मॉस्को शहर है, यानी इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ येलो कलर की लाइन से यहाँ रेड लाइन तक का यूएसएसआर का एरिया एक्सिस पावर यानी हिटलर ने कब्जा लिया था। यह सब हुआ था 22 जून से 5 दिसंबर 1941 तक में, यानी सिर्फ 6 महीने में। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर में अभी सर्दियों का मौसम नहीं आया था, इसलिए हिटलर की आर्मी यूएसएसआर में इतने अंदर तक पहुंच गई थी। लेकिन यूएसएसआर में दिसंबर महीने में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, इस कारण हिटलर की आर्मी यहाँ रेड कलर की बॉर्डर पर रुक जाती है।
तो यहाँ यूरोप में ऑपरेशन बारबरोसा अभी शुरू ही था। लेकिन तभी पैसिफिक महासागर में जापान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। 1940 में जापान, जर्मनी और इटली के बीच ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ था, यानी जापान भी हिटलर की तरफ था। इसका मतलब यह हुआ कि जो हिटलर के दुश्मन वो जापान के भी दुश्मन। तो फ्रांस, ब्रिटेन ये सब अलाइड पावर यानी हिटलर के दुश्मन थे, और उन दिनों फ्रांस और ब्रिटेन की दुनिया भर में कॉलोनीज थी। जैसे इस मैप को फिर से देखें, इसमें येलो कलर में जो देश है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, जैसे हमारा भारत, बर्मा, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और ये सभी छोटे छोटे आइलैंड। फिर ये ब्लू कलर में इंडोनेशिया और बाकी जितने देश है ब्लू कलर में वो फ्रांस की कॉलोनी थे, और कुछ अमेरिका की कॉलोनीज भी थी यहाँ पर, फिलीपींस, हवाई, ये सब। तो 1936 से जापान और चाइना का युद्ध शुरू ही था। फिर धीरे धीरे जापान इन कॉलोनीज पर हमला करने लगा और बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सुमात्रा, पापुआ न्यू गिनी यानी ऑस्ट्रेलिया के काफी नजदीक तक जापान पहुंच गया था। और पापुआ न्यू गिनी से ही जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर भी बहुत सारे बम गिराए थे। और यहाँ बर्मा से ही जापान और आईएनए आर्मी ने मिलकर भारत के असम राज्य में हमले किए थे। सुभाष चंद्र बोस की आर्मी, जिसे आजाद हिंद फौज, आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी या आरजी हुकूमती आजाद हिंद जैसे कई नाम से जाना जाता है, आप जानते ही होंगे इस बारे में। तो यहाँ पर दो बड़ी बड़ी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ इम्फाल और बैटल ऑफ कोहिमा। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ, जिसमें अंग्रेजों ने जापान की आर्मी और आईएनए दोनों को आसाम से पीछे धकेल दिया था। इस घटना पर एक वेब सीरीज है, फॉरगॉटन आर्मी, अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप इसे जरूर देखें। तो इतने छोटे से देश जापान ने पैसिफिक महासागर के लगभग सभी देश और आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि जापान की नेवी बहुत मजबूत थी, जिसमें इस्तेमाल होने वाला ऑयल यानी तेल अमेरिका से आता था। तो जापान की हरकतों को देखकर अमेरिका ने जापान को ऑयल देने से मना कर दिया। ऑयल के अलावा जितनी भी चीजें जापान अमेरिका से मंगवाता था, उन सभी चीजों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें जापान के लिए सबसे जरूरी तेल था। तो इस प्रतिबंध के कारण जापान भी बौखला गया, और 7 और 8 दिसंबर 1941 के दिन जापान ने इस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इतिहास में अटैक ऑन पर्ल हार्बर एक फेमस घटना है, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। अब इस पूरे पैसिफिक महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह और मिलिट्री अड्डा अगर कहीं था तो वो था ये पर्ल हार्बर, जो अमेरिका के इस हवाई स्टेट का आइलैंड था। यहाँ पर अमेरिका के 2500 जितने सैनिक शहीद हो गए, बहुत सारे अमेरिकी जहाज पानी में डूब गए। तो पर्ल हार्बर की इस तबाही को देखकर अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर टू में कूद पड़ा 8 दिसंबर 1941 के दिन, लेकिन अलाइड फोर्स की तरफ से। तो पैसिफिक महासागर के लगभग सभी देशों और आइलैंड पर जापान का कब्जा हो चुका था, तो वहां पर अमेरिका अपनी आर्मी उतारने लगा। सबसे पहले अमेरिका ने अपनी कॉलोनी फिलीपींस में अपनी आर्मी उतारी, फिर इस इंडो चाइना यानी आज का जो वियतनाम है यहाँ पर, लाओस और कंबोडिया, और फिर सिंगापुर में अपनी आर्मी उतारी ताकि जापान पर हमला किया जाए। तो इस पैसिफिक महासागर में अमेरिका ने जापान से युद्ध शुरू किया, तो इस तरफ जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी ने यानी एक्सिस पावर ने भी अमेरिका पर युद्ध का ऐलान कर दिया। तो पर्ल हार्बर पर जापान की जीत हुई। इसके बाद 8 दिसंबर को जापान और अमेरिका की लड़ाई इस वेक आइलैंड पर हुई, यहां पर भी जापान जीत गया। इसके बाद 7 जनवरी 1942 के दिन इस फिलीपींस में बैटल ऑफ बटान हुई, इसमें भी जापान जीत गया। तो सिर्फ ये 3 बैटल ही जापान जीत पाया शुरुआत में, बाकी जापान और अमेरिका के बीच इस पैसिफिक महासागर में टोटल 30 अलग अलग जगहों पर लड़ाई हुई थी, जिसमें वेक आइलैंड, बैटल ऑफ बटान और पर्ल हार्बर को छोड़कर सभी लड़ाइयां अमेरिका जीत गया था। लेकिन इसमें जो मेन लड़ाई हुई थी उसमें से एक थी बैटल ऑफ मिडवे। यहां पर आप देख सकते हैं मिडवे आइलैंड, यहां पर जापान हार गया। और इसके बाद बैटल ऑफ वाडल कैनल जो यहां सोलोमन आइलैंड में हुई थी, इसमें भी जापान हार गया। और यहां से जापान हर लड़ाई में अमेरिका से हारता गया, और धीरे धीरे पैसिफिक महासागर में
जितने भी देश और आइलैंड पर जापान ने कब्जा कर रखा था उन सभी को एक के बाद एक अमेरिका आजाद कराता गया। लेकिन समुद्र में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने में काफी समय लगता है, इसलिए अगले 2 साल तक यानी साल 1944 तक जापान और अमेरिका दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे इस पूरे पैसिफिक महासागर में। अब वापस ऑपरेशन बारबरोसा पर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन एक्सिस पावर ने यूएसएसआर की फलद्रूप जमीन को हड़पने के लिए किया था और एक्सिस पावर यानी हिटलर इसमें काफी सफल होता जा रहा था। लेकिन यूएसएसआर में सर्दियां शुरू हो गई दिसंबर 1942 में, यहां तक हमने बात की थी। अब यहां से आगे क्या होता है उस बारे में जानते हैं। तो हिटलर की आर्मी इस डॉटेड बाउंड्री तक पहुंच गई थी और हिटलर ने यूएसएसआर के बड़े बड़े शहर जैसे या लेनिनग्राड यानी आज का सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को या स्टालिनग्राड जो स्टालिन के नाम पर रखा गया था, इसका नाम पहले वोल्वोग्राड था, और इस बीच वाले एरिया में भी यूएसएसआर के कई शहर थे जैसे उनका प्राचीन शहर कीव जैसे अन्य कई शहरों पर हिटलर ने कब्जा कर लिया था। तो इस ऑपरेशन बारबरोसा के दौरान दो सबसे बड़े इवेंट हुई थी, एक सीज ऑफ लेनिनग्राड और दूसरी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। सीज ऑफ लेनिनग्राड यानी लेनिनग्राड शहर पर हिटलर की आर्मी ने 2 साल तक लॉक लगा दिया था, यानी शहर के अंदर आना जाना बंद, शहर में रहने वाले आम लोगों को घर से बाहर निकलना बंद। इस कारण लेनिनग्राड में खाने पीने के सामान की सप्लाई बंद हो गई और इस कारण इस शहर के लाखों लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे। दूसरे इवेंट बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। ऑपरेशन बारबरोसा के दौरान बैटल ऑफ स्टालिनग्राड टर्निंग पॉइंट था यूएसएसआर के लिए, क्योंकि पहली बार यूएसएसआर की आर्मी हिटलर की आर्मी को पीछे धकेलने में सफल हुई थी यहां पर, और यहीं से हिटलर की आर्मी की उल्टी गिनती शुरू हुई। और जैसे पैसिफिक महासागर में अमेरिका जापान के कब्जाए हुए देश और आइलैंड को एक एक करके आजाद करवा रहा था, वैसे ही यहां पर यूएसएसआर की आर्मी अपने खुद के शहरों को आजाद करवा रही थी जिन शहरों पर हिटलर ने कब्जा कर लिया था। इतिहास में ऑपरेशन बारबारोसा को इसलिए सबसे खूनी और खतरनाक ऑपरेशन कहा जाता है क्योंकि इस दौरान टोटल 1 करोड़ आम जनता भूख और बमबारी के कारण मारी गई थी। 8 लाख यूएसएसआर के सैनिक शहीद हो गए थे और हजारों सैनिक लापता हो गए जो वापस कभी नहीं आए, इसलिए ऑपरेशन बारबारोसा को इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है। इस मैप को देखें एक बार फिर से, इसमें ब्लैक कलर में जो है जैसे ये यूरोप और यहां पर पैसिफिक महासागर में ये सब यह है एक्सिस पावर, और ब्लू कलर में जो है वो है अलाइड पावर। तो ये दोनों ग्रुप है एक दूसरे के दुश्मन। अब इस मैप को देखें, यहां पर है लीबिया जो इटली की कॉलोनी था और इसके बगल में इजिप्ट जो ब्रिटेन की कॉलोनी था। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत में इटली ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था, पर 1942 में ब्रिटेन की आर्मी ने अपनी कॉलोनी इजिप्ट को आजाद कराया। फिर 8 दिसंबर 1942 के दिन यहां इजिप्ट से ब्रिटिश आर्मी ने लीबिया पर हमला किया और इस तरफ मोरक्को से अमेरिका की आर्मी ने लीबिया पर हमला किया। इस कारण कुछ ही दिनों में लीबिया हार गया। फिर यहां पर एक देश है ट्यूनिशिया, तो 7 मई 1943 के दिन इस ट्यूनिशिया पर भी अलाइड आर्मी ने कब्जा कर लिया यानी अमेरिका और ब्रिटेन की आर्मी ने। तो इस तरह से इस पूरे नॉर्थ अफ्रीका में अलाइड आर्मी की जीत हुई। इसे इतिहास में द नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन कहते हैं। अब ट्यूनिशिया पर अलाइड आर्मी का कब्जा होने के बाद अलाइड आर्मी ने यहां से इटली के सिसिली आइलैंड पर 10 जुलाई 1943 के दिन हमला कर दिया। इस आइलैंड को जीतने के बाद अलाइड आर्मी ने सिसिली आइलैंड से 13 अक्टूबर 1943 के दिन इटली की मुख्य भूमि पर हमला कर दिया और लगभग आधा इटली अलाइड आर्मी के कब्जे में आ गया। इसी दौरान इटली का जो तानाशाह था बेनिटो मुसोलिनी, इसे उनके ही मंत्रियों ने मिलकर मुसोलिनी को तानाशाह के पद से उतार कर उसे जेल में डाल दिया। इसके बाद इटली के मार्शल पेट्रो ने इटली में ही नई सरकार बनाई और इस नई सरकार ने अलाइड आर्मी के सामने बिना कोई शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ आधे इटली पर अलाइड आर्मी का कब्जा हो गया। तो इस तरफ से भी अलाइड आर्मी एक्सिस आर्मी को पीछे धकेल रही थी
और उस तरफ से यूएसएसआर की आर्मी भी जर्मन आर्मी को पीछे धकेल रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे, क्योंकि जर्मन आर्मी काफी मजबूत थी। एकदम टक्कर का मुकाबला चल रहा था। फिर भी यूएसएसआर ने अपने मुख्य शहर लेनिनग्राड, मॉस्को और स्टालिनग्राड को जर्मनी से आजाद कराने के बाद 6 नवंबर 1943 के दिन यूएसएसआर की आर्मी ने यूएसएसआर का प्राचीन शहर कीव को भी जर्मनी से मुक्त करा दिया। इस मैप में यहाँ पर कीव शहर है, अब यह फिर से यूएसएसआर का हो गया। तो अब यूएसएसआर की आर्मी यहाँ कीव शहर तक आ गई थी, यानी नीचे इटली की तरफ से अलाइड आर्मी और यहाँ ऊपर की तरफ से यूएसएसआर की आर्मी हिटलर की आर्मी को लगातार पीछे धकेलती जा रही थी। यानी हिटलर का कब्जाया हुआ एरिया अब धीरे धीरे वो हारने लगा था 1943 के अंत और 1944 की शुरुआत में। अब इस मैप को देखें, ये जो ब्लैक कलर की लाइन यानी बाउंड्री है, इसे अटलांटिक वॉल यानी अटलांटिक की दीवार कहते हैं, जहां पर हिटलर की आर्मी खड़ी थी। यहाँ नॉर्वे से लेकर यहाँ स्पेन तक पूरी बॉर्डर हिटलर के कब्जे में थी। अब जैसा अभी बताया कि नीचे आधे इटली तक अलाइड आर्मी पहुंच चुकी थी और यहाँ यूएसएसआर की आर्मी भी काफी आगे बढ़ रही थी, तो दो तरफ से हिटलर हार रहा था। लेकिन इस अटलांटिक वॉल की तरफ हिटलर की आर्मी ने अच्छे से कब्जा जमाया रखा था पिछले 4 सालों से। जब इटली और जर्मनी दोनों ने मिलकर फ्रांस पर कब्जा कर लिया था 4 साल पहले, तब से फ्रांस हिटलर के कब्जे में था। इसलिए इस अटलांटिक वॉल को तोड़ने के लिए और फ्रांस को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन नेपचून बनाया गया, जिसे इतिहास में डी डे लैंडिंग कहते हैं। और मानव जाति के इतिहास में यह डी डे सबसे बड़ा समुद्री आक्रमण था। इससे पहले और इसके बाद समुद्र में इतना बड़ा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ था। इसलिए तो आपने भी इस डी डे के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी किताबें और बहुत सारी मूवीज बनाई गई है। और वर्ल्ड वॉर टू में यह ऑपरेशन नेपचून यानी डी डे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो 6 जून 1944 के दिन ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबको फ्रांस की एक जगह है नॉर्मंडी। इस मैप में यहाँ पर है नॉर्मंडी, तो इस समुद्र के किनारे पर अलाइड आर्मी को उतारा गया। यह उस समय की ओरिजिनल ऐतिहासिक तस्वीर है डी डे लैंडिंग की, और यह फ्रांस में नॉर्मंडी का समुद्र किनारा है, इसलिए इसे नॉर्मंडी लैंडिंग भी कहते हैं। इस मैप को देखें, यह है वो जगह जिसे डी डे लैंडिंग कहते हैं, और ये सभी जहाज ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका से यहाँ पर आ रहे थे। इसमें टैंक है, आर्मी है, गाड़ियाँ है जो सैनिक भर भर कर आ रही है। तो 6 जून 1944 के दिन ये अलाइड आर्मी यहाँ फ्रांस में उतरी और जर्मन के साथ युद्ध शुरू किया। कहाँ पर? इस अटलांटिक वॉल पर। और इस तरफ यूएसएसआर की आर्मी ने लगभग पूरे यूएसएसआर को हिटलर की आर्मी से आजाद करा लिया था। और 22 जून 1944 के दिन यूएसएसआर की आर्मी पोलैंड के सेंटर तक पहुंच गई, यानी यूएसएसआर की आर्मी हिटलर की आर्मी को पीछे धकेलते धकेलते यहां तक पहुंच गई थी। और यहां पर नॉर्मंडी लैंडिंग से अलाइड आर्मी ने 25 जुलाई 1944 तक में फ्रांस के पेरिस शहर को भी आजाद करा लिया हिटलर से, और 15 अगस्त तक अलाइड आर्मी इस राइनलैंड तक पहुंच गई। राइनलैंड वो जगह है जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर चुके हैं कि वर्षा की संधि के बाद यहाँ पर जर्मनी अपनी आर्मी नहीं रख सकता था, लेकिन हिटलर ने यहाँ पर अपनी आर्मी तैनात कर दी थी वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत से पहले। तो इसी के साथ पूरा फ्रांस अब हिटलर से आजाद हो गया था, और इस फ्रांस की जो आर्मी हिटलर के कब्जे में थी वो आर्मी भी अब आजाद हो गई, और ये फ्रांस की आर्मी अब अलाइड आर्मी के साथ ज्वाइन हो गई। इससे अलाइड आर्मी और मजबूत हो गई, और सितंबर 1944 तक में फ्रांस के बाद अलाइड आर्मी ने हिटलर के कब्जे से बेल्जियम को और नीदरलैंड का कुछ भाग भी आजाद करा लिया, यानी अलाइड आर्मी अब जर्मनी की बॉर्डर तक पहुंच गई थी, वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो मुख्य जर्मनी था उसकी बॉर्डर तक। और इस तरफ से यूएसएसआर की आर्मी पोलैंड तक पहुंच गई थी। फिर यहां से यूएसएसआर की आर्मी के सामने 8 सितंबर 1944 के दिन पहले इस रोमानिया, फिर बल्गेरिया, इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये दोनों हिटलर की तरफ से यानी एक्सिस आर्मी की तरफ से थे। इसके तुरंत बाद ग्रीस, अल्बानिया
और युगोस्लाविया का यह भाग भी यूएसएसआर ने आजाद करा लिया हिटलर से। फिर इसके बाद इस हंगरी देश के लोगों ने एरो क्रॉस नाम का आंदोलन किया, जिसमें इनके लोगों ने हंगेरियन सरकार से मांग रखी कि आप जर्मनी यानी हिटलर का साथ छोड़ दे और यूएसएसआर के सामने आत्मसमर्पण कर दे। इस कारण 12 सितंबर के दिन हंगरी भी आजाद हो गया हिटलर से, यानी अब हर तरफ से हिटलर का यह विशाल साम्राज्य चिकुड़ता जा रहा था। इस कारण हिटलर ने आखिरी कोशिश की इस बेल्जियम की बॉर्डर की तरफ से। हिटलर चाहता था कि यहां पर जो अलाइड आर्मी आ गई है जर्मनी की बॉर्डर तक, उसे वापस भेजने और बेल्जियम पर फिर से अपना कब्जा करने के लिए। इसे बैटल ऑफ बल्गे कहते हैं, जो यहां पर हुई थी। लेकिन 1 जनवरी 1945 के दिन हिटलर की आर्मी यहां से पीछे लौट गई, यानी हिटलर की यह आखिरी कोशिश भी नाकाम रही और यहां से अलाइड आर्मी जर्मनी के अंदर आ गई। इस तरफ से यूएसएसआर की आर्मी भी अब जर्मनी की राजधानी बर्लिन को जीतने के लिए निकल पड़ी और इन दोनों ने मिलकर जर्मनी को पूरी तरह से तहस महस कर दिया और कुछ ही महीनों में ये दोनों जर्मनी के मुख्य शहर बर्लिन में घुस गए। इस इमेज को देखें, ये यूएसएसआर का एक सैनिक है जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर की किसी बिल्डिंग पर यूएसएसआर का झंडा लगा रहा है। ये दिन था 29 अप्रैल 1945 का, यानी लगभग जर्मनी अब हारने की कगार पर था। और इसके अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर ने आत्महत्या कर ली खुद को गोली मारकर। इसके बाद 7 मई 1945 के दिन जर्मनी ने अलाइड आर्मी के सामने आत्मसमर्पण किया और 9 मई 1945 के दिन जर्मनी ने यूएसएसआर के सामने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसे वी डे कहते हैं, यानी विक्ट्री इन यूरोप डे। तो इस तरह से यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन पैसिफिक महासागर में अभी भी युद्ध शुरू था। पर्ल हार्बर के हमले के बाद अमेरिका इस युद्ध में कूदा और वह धीरे धीरे पैसिफिक के इन सभी देशों और आइलैंड को जापान से आजाद करा रहा था। तो 1945 के मई महीने में जर्मनी हार गया। उसी महीने में अमेरिका ने जापान के ओकिनावा आइलैंड को जापान से आजाद करा लिया और यह आइलैंड जापान की मुख्य भूमि से बाहर अकेला आइलैंड बचा था जिस पर जापान का अभी भी कब्जा था, लेकिन यह भी अमेरिका ने आजाद करा लिया, यानी जापान के पास अपनी जो खुद की मुख्य भूमि थी वही बची थी, ये वाली। बाकी ये सभी देश और आइलैंड 1945 तक अमेरिका ने आजाद करा लिए थे। अब जैसे फ्रांस के नॉर्मंडी समुद्र के किनारे डी डे लैंडिंग हुई थी, वैसा ही जापान के साथ अमेरिका कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सैनिक और लोग मारे जाते हैं और ऊपर से अमेरिका ने सफलतापूर्वक दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब का। इस कारण अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर को चुना और 6 अगस्त 1945 के दिन दुनिया का पहला परमाणु बॉम्ब हिरोशिमा शहर पर गिराया अमेरिका ने, जिसमें एक झटके में 1,00,000 लोग मारे गए। वैसे जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो था, लेकिन वो बमबारी से ऑलरेडी तबाह हो चुका था। इस कारण अमेरिका ने उसका इंडस्ट्रियल शहर हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया और इसके 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया, जिसमें एक साथ 80,000 लोग मारे गए। इस तबाही को देखकर जापान टूट गया और 15 अगस्त के दिन जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हो गया। और इस परमाणु बम के रेडिएशन के कारण कई बीमारियां फैली जापान में, जिसमें भी कई लोग धीरे धीरे मरते गए। अब जापान के साथ ऐसा होना ही था, क्योंकि जापान आज भले ही हमें बहुत अच्छा और शांत देश लगे, लेकिन उस समय जापान की जो आर्मी थी उन्होंने चीनो जापानी वार के दौरान चाइना की महिलाओं के साथ इतने बुरे काम किए थे, जैसे भारत में निर्भया का कांड हुआ था वैसे ही चाइना की हजारों औरतों के साथ जापान के सैनिकों ने ऐसा किया था, जिसे इतिहास में नानकिन मसाकर के नाम से जाना जाता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे इस बारे में। तो इस कारण जापान के साथ ऐसा होना ही था, इसलिए जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया और ऑफिशियली 2 सितंबर 1945 के दिन वर्ल्ड वॉर टू यानी दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब बात करते हैं कि इस पूरे दूसरे विश्व युद्ध में टोटल कितने लोग मारे गए।
तो इसका एकदम सही जवाब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और ना ही इसका सही जवाब किसी के पास होगा। गूगल पर भी आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन विकिपीडिया वेबसाइट वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूएसएसआर के 2 करोड़ से लेकर 2,70,00,000 लोग मारे गए थे। सबसे ज्यादा यूएसएसआर के थे, उनकी आबादी के करीब 15% लोग इस युद्ध में मारे गए थे। इसमें उनकी आर्मी और उनकी आम जनता दोनों को मिलाकर बता रहा हूं। उसके बाद चाइना के 1,50,00,000 से लेकर 2 करोड़ लोग मारे गए थे। जर्मनी के 69,00,000 से लेकर 75,00,000 लोग मारे गए थे। जापान के 25,00,000 से लेकर 31,00,000 लोग मारे गए और पोलैंड के करीब 60,00,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका के करीब 4,20,000 लोग, ब्रिटेन के 4,50,000 लोग, इटली के 5,00,000 लोग, रोमानिया के भी करीब 5,00,000 लोग, यूगोस्लाविया के 10,00,000 से लेकर 17,00,000 लोग मारे गए थे, फ्रांस के करीब 6,00,000 लोग, हंगरी के करीब 5,00,000 से लेकर 9,00,000 लोग, फिनलैंड के करीब 1,00,000 लोग, फिलीपींस के करीब 5,50,000 लोग, ग्रीस के करीब 5,00,000 से 8,00,000 लोग, कैनेडा के 43,000, ऑस्ट्रेलिया के 40,000, चेकोस्लोवाकिया के 3,50,000 लोग, इंडोनेशिया के 3,00,000 से लेकर 4,00,000 लोग, नीदरलैंड के 2,00,000 लोग, लातविया के 2,50,000 लोग, लिथुआनिया के 3,70,000 लोग, इस्टोनिया के 83,000 लोग, अल्बानिया के 30,000, बल्गेरिया के 22,000, बेल्जियम के 28,000, इथोपिया के 1,00,000 लोग, बर्मा के करीब 2,50,000 लोग, इंडो चाइना यानी आज का जो वियतनाम है उसके 10,00,000 से लेकर 22,00,000 लोग मारे गए थे, कोरिया के 5,00,000 लोग, ब्रिटिश मलाया यानी मलेशिया के 1,00,000 लोग। और जिन देशों के 1,00,000 से कम लोग मारे गए थे वैसे भी कई देश हैं, जिस बारे में आप खुद ही देख लेना। और बदकिस्मती से इस दूसरे विश्व युद्ध के कारण हमारे भारत में एक ऐसी घटना हुई थी जैसी घटना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी, जिस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस पूरे दूसरे विश्व युद्ध में टोटल सैनिक और आम जनता सभी को मिलाकर 7 करोड़ से लेकर 8,50,00,000 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ सैनिक थे और 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ आम लोग थे यानी सिविलियन। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि यह नंबर इधर उधर हो सकते हैं। अब बात करेंगे होलोकॉस्ट की, जो हिटलर की नाजी पार्टी ने किया था यहूदी लोगों के साथ उसकी। इस होलोकॉस्ट को सोहन नाम से भी जाना जाता है। हिटलर चाहता था कि सिर्फ जर्मन लोग ही यूरोप में रहें, बाकी सभी तरह के लोगों को जर्मन समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हिटलर की नजर में ऐसे जो समाज थे जिसमें मुख्य थे ज्यूस यानी यहूदी लोग, तो 1941 की शुरुआत तक हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यूरोप में ऐसे सभी लोगों को जिनको हिटलर नहीं चाहता था कि ये लोग हमारे समाज में रहें, उन्हें मारने के लिए जो प्लान बनाया गया उसे होलोकॉस्ट कहते हैं। तो इन निर्दोष लोगों को नाजी आर्मी पहले लेबर कैंप में ले जाकर उनसे रात दिन काम करवाती थी। उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था क्योंकि नाजी चाहते थे कि ये लोग काम करते करते भूखे ही मर जाए। ये ओरिजिनल इमेज है उस समय की, इसमें आप देख सकते हैं इन लोगों की हालत। इन लोगों को स्टार ऑफ डेविड का सिंबल पहनना पड़ता था ताकि इनकी पहचान हो सके कि ये लोग जर्मन नहीं है। इस इमेज में ये नाजी सैनिक है और ये यहूदी लोग हैं जिनके कपड़े पर स्टार ऑफ डेविड का निशान है। पूरे यूरोप से ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ट्रेन में बहला फुसला कर भर दिया जाता था और लेबर कैंप में डाल दिया जाता था। अगर लेबर कैंप में ये काम करते करते ना मरे तो इन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था जहरीले गैस का इस्तेमाल करके, जिसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते हैं। इस मैप को देखें, इसमें जो रेड कलर के निशान है वो सभी जगह पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए थे। इन सभी कैंप में हर रोज हजारों लोगों को मार दिया जाता था जो हिटलर की नजर में निचले समाज के लोग थे। दूसरे देशों के सैनिकों को भी इसमें मार दिया जाता था। अब इस इमेज को देखें, यहूदी लोगों को गैस चैम्बर के बाहर अपने जूते चप्पल निकालकर जाना होता था। ये सिर्फ एक दिन के जूते की इमेज है, वो भी एक ही चैम्बर के। इस इमेज में आप देख सकते हैं गैस चैम्बर में मरने वाले लोगों की लाशें है ये। तो इस तरह से नाजी आर्मी ने टोटल 1,10,00,000 से लेकर
1,20,00,000 लोगों को मार दिया था, जिसमें 60,00,000 के करीब यहूदी लोग थे और बाकी निचले समाजों के लोगों के साथ मानसिक रूप से बीमार लोग, अपाहिज लोग, समलैंगिक लोग, इन सबको मौत के घाट उतर दिया गया। कहते हैं कि विश्व युद्ध के पहले यहूदी लोगों की जो आबादी थी उनमें से 2/3 आबादी को हिटलर ने मार दिया था। इस इमेज को देखें, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब हिटलर के होलोकॉस्ट से आजाद हुए ऑस्ट्रिया के लोग हैं ये। तो इस होलोकॉस्ट को द फाइनल सॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बुरे से बुरा, ऐसा हिटलर का मानना था। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में हमारे भारत का क्या योगदान था। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू के समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और तब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू था। इसलिए भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में मदद करने से मना कर दिया था कि यह युद्ध आपका है, हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन भारत के जो प्रिंसली स्टेट थे उनके राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की मदद की, आर्थिक और सैन्य रूप दोनों से। इसमें भारत के करीब 25,00,000 सैनिक उनकी मदद के लिए गए थे। इसलिए तो आसाम में सुभाष चंद्र बोस और जापान की आर्मी हार गई थी। इसके अलावा भारतीय सैनिक बर्मा में और अफ्रीका में भी ब्रिटिश सरकार के लिए युद्ध लड़ने गए थे, जिनमें से टोटल 87,000 सैनिक शहीद हो गए थे। ये तो बात हुई सैनिकों की, लेकिन बंगाल में जो अकाल पड़ा था जिसे बंगाल फेमाइन कहते हैं, यह एक बहुत ही भयानक घटना थी दुनिया के इतिहास में। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जिस तरह से यहूदी लोगों पर हुए अत्याचार को इतिहास में दर्शाया गया है वैसा ही बंगाल के लोगों के साथ हुआ था, लेकिन इतिहास में इसे एक छोटी सी घटना के रूप में दर्शाकर छोड़ दिया गया है। अब इस मैप को देखें, ये ग्रीन कलर का पूरा एरिया बंगाल था, जिसमें आज का हमारा पश्चिम बंगाल राज्य, बांग्लादेश, असम का थोड़ा सा एरिया, त्रिपुरा और मिजोरम का भी कुछ एरिया मिलाकर पूरा बंगाल था 1943 के आसपास में। तो इस बंगाल में चावल का उत्पादन होता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर इस बर्मा यानी म्यांमार देश से चावल आते थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस बर्मा पर जापान का कब्जा हो गया था, तो बर्मा से चावल आने बंद हो गए और इस बंगाल में जो चावल पैदा होता था वो सारा का सारा ब्रिटिश सरकार अपनी फौज के लिए भेज देती थी, जिस कारण बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। पेट भरने के लिए लोगों ने अपनी जमीन, अपने घर, सब कुछ बेच दिया। यहां तक कि लोगों को अपनी लड़कियों और बच्चों को भी बेचना पड़ा था, क्योंकि भूख के कारण इस बंगाल में टोटल 30-40,00,000 लोग मारे गए थे साल 1943 में, और इसका जिम्मेदार था विंस्टन चर्चिल, यह उसकी इमेज है। इसके कारण भारत के बंगाल प्रदेश के 30-40,00,000 लोग भूखे मारे गए थे। अब युद्ध में मरना आसान है, क्योंकि आपको गोली या आपके ऊपर बम गिरा तो तुरंत ही आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन भूख के कारण हम तुरंत नहीं मरते, धीरे धीरे तड़प तड़प कर हमारी मौत होती है। इस कारण पर्सनली मैं बंगाल फेमाइन की घटना को भारतीय इतिहास की सबसे भयानक घटना मानता हूं। यह उस समय की एक फेमस तस्वीर है, बंगाल के किसान का परिवार है यह। भूख के कारण इन लोगों की हालत आप खुद ही देख लीजिए। अगर आपको इस पर वीडियो देखनी है डिटेल्स में तो नीचे कमेंट करके बताएं मुझे। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो बंगाल फेमाइन पर भी एक विस्तार से वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, अब उस बारे में जानते हैं। इस मैप को देखें, युद्ध के बाद जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया था। यह पिंक कलर वाला यूएसएसआर को दिया गया और ये ब्लू कलर वाला जर्मनी अलाइड आर्मी यानी फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने ले लिया। जर्मनी का मुख्य शहर बर्लिन को भी आधा आधा बांट दिया गया। इसलिए तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी को अलग करती थी। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध की तरह दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर किसी भी तरह का कोई सैंक्शन नहीं लगाया। जैसे वर्साई की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे, इसी कारण जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू शुरू किया था। इसलिए इस बार जर्मनी पर कोई खास प्रतिबंध नहीं लगाया ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा युद्ध ना हो। अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद
अमेरिका और यूएसएसआर दोनों सुपर पावर बन गए थे, यानी बनने की राह पर चल पड़े थे। इससे पहले ब्रिटेन सुपर पावर था क्योंकि आधी दुनिया पर उनका कब्जा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन का बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था टूट गई थी। इसलिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसएसआर और अमेरिका दोनों सुपर पावर बनने की होड़ में लगे थे। इसलिए तो 1945 से इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शुरू हो गया था, जो 1991 तक चला था। अब युद्ध के पहले मैंने आपको बताया था कि वर्षा की संधि के कारण कई जर्मन लोग जर्मनी के बाहर हो गए थे, कुछ ऑस्ट्रिया में तो कुछ पोलैंड में, यानी अपने ही लोग अपने देश से बाहर थे। यह भी एक कारण था विश्व युद्ध शुरू होने का। इसलिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टालिन एक पॉलिसी लेकर आया कि जो लोग जिस देश के हैं वो वापस अपने देश में चले जाए। जर्मन लोगों को जर्मनी में भेज दो, पोलैंड के लोगों को पोलैंड में भेज दो। और यूएसएसआर तो 15 देशों को मिलकर बना था, इसलिए सबसे ज्यादा विस्थापित यूएसएसआर के लोगों को होना पड़ा था। ऐसा करने का कारण एक ही था कि भविष्य में कोई अपने लोगों के लिए इतना बड़ा युद्ध ना करे जैसा हिटलर ने किया था। तो ऐसा ना हो इसलिए जोसेफ स्टालिन ये पॉलिसी लेकर आया था। अगर यूएसएसआर के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो इस पर भी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू से पहले फ्रांस और ब्रिटेन दोनों सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन हिटलर ने इन दोनों देशों को कंगाल कर दिया। इसलिए दुनिया भर में जो इनकी कॉलोनीज थी वो सब आजाद होने लगी, क्योंकि अब ब्रिटेन और फ्रांस के पास वो ताकत नहीं थी कि वो पहले की तरह इन देशों पर शासन करें। इसलिए साल 1945 से लेकर 1950 के बीच में लगभग दुनिया के ज्यादातर देश जो इनके गुलाम थे वो आजाद हो गए, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। वर्ल्ड वॉर टू में लगभग पूरे यूरोप में बमबारी और लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा हुई कि इससे बहुत कुछ तबाह हो गया, क्योंकि शुरुआत में हमने बात की थी कि कारखानों और फैक्ट्रियों पर भी बमबारी होती थी। इस कारण यूरोप का उत्पादन बहुत कम हो गया और उस समय अमेरिका दुनिया का आधा उत्पादन अकेले करने लगा था, यानी पूरी दुनिया में जो उत्पादन होता था उसमें से आधा तो सिर्फ अमेरिका करता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू से पहले ऐसा नहीं था, पर वर्ल्ड वॉर टू में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी तबाह हो गए, इस कारण अमेरिका आगे निकल गया इन सबसे। अब जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी ताकि आगे ऐसा युद्ध ना हो, पर फिर भी वर्ल्ड वॉर टू हुआ यानी लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। इसलिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ की स्थापना हुई ताकि वर्ल्ड वॉर थ्री ना हो आगे, और इसके 75 साल बाद यानी आज तक यूएनओ ऐसा करने में सफल भी रहा है। अब इस मैप को देखें, यह है नॉर्थ कोरिया और यह है साउथ कोरिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के समय ये पूरा कोरिया एक ही देश था। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे तब यूएसएसआर ने इस रेड कलर के कोरिया को यानी आधे कोरिया को कब्जा लिया था, और नीचे जो व्हाइट कलर में है साउथ कोरिया उसे अमेरिका ने कब्जा लिया था। फिर बाद में 1950 में कोरिया में युद्ध हुआ, कोरियन वॉर, जिसके बाद दोनों देश अलग हो गए। यूएसएसआर वाला भाग आगे जाकर नॉर्थ कोरिया बना और अमेरिका वाला साउथ कोरिया बना। इस तरफ जापान हार गया था, इसलिए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद करीब अगले 7 साल तक जापान पर कब्जा बनाए रखा था। फिर जापान को अमेरिका ने आजाद कर दिया, लेकिन जापान के कुछ आइलैंड पर अमेरिका का कब्जा आज भी कायम है, जैसे ये ओकिनावा आइलैंड है, इस पर आज भी अमेरिका का कब्जा है। और पैसिफिक महासागर में आज के दिन अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अगर कहीं है तो वो है ओकिनावा आइलैंड पर। यहीं से पूरे पैसिफिक महासागर पर अमेरिका अपना कंट्रोल रखता है। इस तरफ चाइना में वर्ल्ड वॉर टू से पहले ही सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू था उनके नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर से शुरू हो गया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई 1949 में। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को चाइना की मुख्य भूमि से खदेड़ दिया और उन्हें इस छोटे से आइलैंड ताइवान पर भेज दिया। तब से लेकर आज तक चाइना और ताइवान के बीच शांति समझौता नहीं हुआ है।
और इस तरफ मिडल ईस्ट में एक नया देश बनाया गया वर्ल्ड वॉर टू के बाद, इसराइल। कैसे? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो ओटोमन एम्पायर था वो हार गया था। इस कारण ओटोमन एम्पायर को कई छोटे छोटे देशों में विभाजित किया गया था। इस मैप को देखें, ये पूरा ओटोमन एम्पायर था प्रथम विश्व युद्ध से पहले, लेकिन हारने के बाद इसमें टर्की और आर्मेनिया जैसे नए देश बनाए गए और ओटोमन एम्पायर के बाकी के भाग को ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने गुलाम बना लिया था, जिसमें यह नीचे वाला भाग ब्रिटिश के अधीन था, जिसे पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन कहते हैं। तो साल 1917 में ब्रिटेन और ज्यूस यानी यहूदी लोगों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें ब्रिटेन ने कहा कि हम यहूदी लोगों को पैलेस्टाइन में एक नया देश बनाकर देंगे अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे तो। अब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध जीत भी गया, लेकिन ब्रिटेन ये बात हमेशा टालता जा रहा था। इस कारण वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश और यूएनओ के कहने पर यहाँ इसराइल देश बनाया गया, जो इन अरब देशों को मंजूर नहीं था, जिस कारण अरब देश और इसराइल के बीच कई बार युद्ध हुए। आज भी इसराइल और अरब देशों के बीच कई छोटे मोटे हमले होते रहते हैं, तो यह भी एक बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर टू का। तो यह था वर्ल्ड वॉर टू का पूरा इतिहास। मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है वैसे तो, फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो माफी चाहूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।